सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो है कि आपको रूल्स समझने बहुत ज़रूरी हैं, सारे रूल्स समझने जरूरी हैं, बिकॉज मैक्सिमम लोगों को रूल्स नहीं पता होते हैं, ट्रेडिंग चालू करते हैं लॉस हो जाता है। पहला चीज़, आपको दो जगह इसको अप्लाई करना है, निफ्टी में एंड बैंक निफ्टी में। सेकेंड चीज़, ठीक है, आपको दो टाइम फ्रेम यूज़ करने पड़ेंगे, 5 मिनट एंड 1 मिनट, ठीक है। SL एंड टारगेट्स मैं आपको बताऊंगा, जैसा कि मैंने बताया बिग बार ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हम लोग किसी एक इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक्स पैटर्न पे फोकस करने वाले हैं, उसको आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। तो देखिए गाइज, सबसे पहले मैं आपको समझाने जा रहा हूँ 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, इसको आप कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हो। निफ्टी बैंक निफ्टी बोला, आप चाहो तो इसको फिन निफ्टी में भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा स्टॉक्स में, करेंसी कमोडिटीज़ में अप्लाई मत कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए पहले मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, मल्टीपल एग्जांपल दिखाऊंगा, ध्यान से आपको समझना है। तो देखिए गाइस, पहली बात तो ये 10 बजे से पहले ट्रेड बनेगा नहीं, तो आपको एकदम आराम से 10 बजे, वैसे भी 10 बजे के पहले जो करते हैं बिगिनर्स वो वाइप आउट ही होते हैं, वॉलिटिलिटी ज़्यादा रहती है। 10 बजे की बात करना है, कैसे करना है, अगर आप 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ करेंगे, दोनों में बड़ा डिफरेंस है 5 मिनट एंड 1 मिनट में, तो आपको क्या देखना है, कम से कम 4 से 5 कैंडल एक रेंज में फंसी हो। निफ्टी 50 का चार्ट दिखा रहा हूँ, सेम चीज़ आप बैंक निफ्टी में अप्लाई कर सकते हो। निफ्टी ज़्यादा सजेस्टेबल है बिकॉज अभी निफ्टी स्मूथ चलता है एज कम्पेयर टू बैंक निफ्टी। यहाँ पे देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 कैंडल एक साथ है, कितनी रेंज है भैया, जरा इसको आप मार्क करके देखो। अगर आप ये रेंज देखेंगे तो ये रेंज है लगभग, मैं आपको मार्क करके दिखाता हूँ, ठीक है, 20 पॉइंट की रेंज है, 25 से 30 पॉइंट की मैक्सिमम रेंज होनी चाहिए, जितनी मिनिमम होगी हमारे लिए फायदे वाली चीज़ है, ठीक है। तो 20 से 25 30 पॉइंट की रेंज होनी चाहिए, 25 से 30 होनी चाहिए मैक्सिमम, उसे जितनी कम होगी उतना फायदा है। ये कैंडल बनी, ये रेंज बनी। अब देखिए यहीं पे सबसे बड़ा सीक्रेट है, बिग बार कैंडल का मतलब क्या है, देखिए डेफिनेशन में ही आपको आंसर मिल जाएगा, बिग, ठीक है, बार, बिग बार मतलब एक बड़ी कैंडल, एक बड़ी कैंडल बननी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिएगा, ये जो रेड कैंडल है इन सभी 12 कैंडल के कंपैरिजन में सबसे बड़ी है, ठीक है। ये क्या इंडिकेट करता है कि इस कंसोलिडेशन, इस नैरो रेंज, इस साइडवेज मार्केट के बाद सेलर्स वाली पार्टी जीती है। जैसे ही रेड कैंडल बनेगी उसके लो पे आपने ट्रेड लेना है, SL आपका स्विंग हाई, नीचे के टारगेट्स, कम से कम आपका पहला टारगेट 1:1 क्लियर, मैं पहले ही बता देता हूँ, इन द मनी में करना है। फ्राइडे को आप OTM कर सकते हो, 1:1 पहला टारगेट, कॉस्ट टू कॉस्ट स्टॉप लॉस को लाइए, देन आप 1:2 के लिए जा सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे लो पे ट्रेड बना, मार्केट देखिए कितना बड़ा फॉल किया है, मैं आपको मल्टीपल एग्जांपल दिखाऊंगा, थोड़ा सा और सीक्रेट भी बताऊंगा, प्लीज़ वीडियो को ध्यान से देखिएगा, जिससे कि आपको बड़े टारगेट्स देखने को मिलेंगे। यहाँ पे फिर से देखिए, पिछले दिन की कैंडल है, यहाँ पे देखिए मार्केट यहाँ पे रेंज बाउंड रहा, ठीक है, रेंज बाउंड रहा, कितने की रेंज है सर, आप जाकर देख लीजिए कितनी रेंज है, 25 पॉइंट की रेंज है, 25 से 30 पॉइंट चलेगा, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है कैंडल से, कैंडल सबसे बड़ी बनी है यहाँ पे, इसके लो पे आप ट्रेड लेते, ये आपका SL होता। देखिए कितना बढ़िया टारगेट आपको देखने को मिला है, इसको बोलते हैं बिग बार कैंडल स्टिक्स पैटर्न। फिर से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हुआ, एक मार्केट साइडवेज था, मार्केट साइडवेज था, एक बड़ी रेड कैंडल बनी, यहाँ पे आपने सेल किया, बफर के साथ आप सेल लिए होते, मार्केट ने देखिए एक बढ़िया फॉल दिखाया, आपको बहुत बढ़िया टारगेट देखने को मिला। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में करेंगे तो बढ़िया रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे, अभी मैं आपको 1 मिनट में बताऊंगा वहाँ पे और अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। यहाँ पे फिर से देखिए मार्केट क्या किया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कैंडल, मैंने कितना बोला था, मिनिमम 5 कैंडल, जितना ज़्यादा होगा हमारे लिए फायदा है। एक रेंज में रहा, ब्रेकडाउन कैंडल बनी, बिग बार कैंडल बनी, इसके लो पे ट्रेड, इसी के थोड़ा सा रेंज के ऊपर स्विंग आई SL, देखिए कितना बढ़िया आपको लगभग, अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको आराम से 1:3.3 का टारगेट मिला, जो कि बहुत बढ़िया टारगेट है। यहाँ पे फिर से देखिए क्या हुआ, मार्केट रेंज में रहा, कंप्रोमाइज़ नहीं करना है, मार्केट रेंज में है, रेक्टेंगुलर रेंज में, यहाँ पे एक बढ़िया ग्रीन कैंडल बनी, कैसे पता चलेगा, बिग बार कैंडल है भैया, देखो इन सभी कैंडल्स के कंपेरिजन में ये सबसे बड़ी कैंडल है, इसके हाई पे ट्रेड लेते हैं स्विंग लो SL, और आप देखो खुद ही देखो कितना ऊपर गया है। अगर आप ऊपर देखेंगे तो मार्केट देखिए जैसे ही इस रेंज को ब्रेक किया, देखिए कितना बढ़िया ऊपर रैली किया है। तो आपको दिन भर में 2 से 3 सेटअप, 1 से 2 तो मिलेगा 5 मिनट में, और 1 से 2 से 3 आपको 1 मिनट के टाइम पर भी मिलेगा। हाँ, आपको ये पता होना चाहिए कब आपको नहीं लेना है, ठीक है। SL टारगेट मैंने बता दिया 1:1 पहला टारगेट, जैसे ही आपको 1:1 मिले मैक्सिमम क्वांटिटी निकाल दो, जैसे मान लीजिए आपने 4 लॉट लिया है तो 3 लॉट निकाल दो, ठीक है, 1 लॉट को कॉस्ट टू कॉस्ट ले जाके होल्ड कर सकते हो, 80:20 या फिर 75:25 का रेशियो फॉलो कर सकते हैं, 75:25। जैसे यहाँ पे देखेंगे आप, मार्केट साइडवेज है, यहाँ पे कहीं पे भी कोई बिग बार कैंडल बनी नहीं, तो जबरदस्ती का कूदने का नहीं, नो ट्रेड, अवॉइड ट्रेडिंग, ठीक है, एकदम आपको करना ही नहीं। यहाँ पे देखिए पिछले दिन मार्केट आपको चांस देगा, पक्का चांस देगा, यहाँ पे देखिए मार्केट साइडवेज था, ब्रेकआउट किया, इसके हाई पे ट्रेड लेते, इसी का हाफ SL लेते, और देखिए कितना बढ़िया टारगेट आपको यहाँ पे देखने को मिला है। फिर से चलिए पीछे दिखाता हूँ,
यहाँ पे देखिए फिर से क्या हुआ, ये आपको डेली मिलेगा, ऐसा नहीं कि फेल होगा। लाइव मार्केट में ज्वाइन कीजिए, मैं आपको सिखा सकता हूँ। साइडवेज 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 साइडवेज, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। यहाँ पे देखिए ब्रेकडाउन किया इस खेलो पे ट्रेड SL 90% एक्यूरेसी आपको देखने को मिलेगी। चैलेंज के साथ बोलता हूँ 90 से 95%। एक शर्त है, पेशेंस आपको दिखाना पड़ेगा। तो देखिए गाइस फिर से समझा देता हूँ, पहले 5 मिनट वाला 5 मिनट टाइम फ्रेम यूज़ करना है, निफ्टी 50 निफ्टी बैंक को यूज़ करना है। अगर आप निफ्टी 50 देखते हैं मान लीजिए, तो आपको कम से कम 20 से 25 पॉइंट की एक रेंज चाहिए मिनिमम, मैक्सिमम 25 से 30 पॉइंट जा सकती है, उसके जितना नीचे रहेगा उतना फ़ायदा है। मिनिमम 5 कैंडल एक रेंज में चलनी चाहिए 25 से 30 पॉइंट की। अगर बैंक निफ्टी करते हैं तो कम से कम 50 से 60 पॉइंट आप ले जा सकते हैं, एग्जांपल अभी आपको दिखा दूंगा। उसके बाद जैसे ही बिग बार कैंडल बनेगी आपने उसके हाई उसके लो पे ट्रेड लेना है, 10 बजे के बाद लेना है, 10 बजे के पहले लेना नहीं है। 1:1 पहला टारगेट, 1:2 सेकंड टारगेट। यहाँ पे ध्यान से देखिए आप, मार्केट क्या किया, टाइम पास किया, 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, और देखिए बिग बार कैंडल बनी आपकी यहाँ पे ये एंट्री SL, और देखिए क्या भयंकर मूवमेंट है, मतलब आप खुद ही देखिए, आप शॉक्ड रह जाएंगे। आपको मैं ये भी कहता हूँ कि आप लाइव आके चेक करो मेरे साथ, और मजा आएगी। केवल 13 पॉइंट का SL है और मार्केट सीधे आपको दिया है 1:7, लगभग 1:7 का रिस्टो रिवॉर्ड। एक बार मैं आपको निफ्टी बैंक में भी समझाना चाहूँगा, स्टॉप लॉस के साथ कीजिएगा प्लीज़। अभी 1 मिनट बला बचा है, उसको भी समझाऊंगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे बैंक निफ्टी में, तो ये देखिए यहाँ पे बैंक निफ्टी क्या किया, एक साइडवेज मूवमेंट किया, 2-4 पॉइंट ऊपर नीचे मूवमेंट हो सकती है। अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो लगभग ये 70-80 पॉइंट की रेंज है, जो कि मैनेजेबल है। 70-80 पॉइंट बैंक निफ्टी में आप एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ पे आपकी बिग बार कैंडल ये वाली तो नहीं है, ये वाली आपकी बिग बार कैंडल है। इन सभी कैंडल के कंपैरिजन में सबसे बड़ी लार्ज कैंडल ये है। इसके लो पे सेल लेते, ये आपका SL, ये मैंने लाइव मार्केट में करवाया था, और ये देखिए कितना बड़ा सेल ऑफ देखने को मिला है। यही फ़ायदा होता है जब आप मोमेंटम के साथ जाते हैं। देखिए ये साइकोलॉजी क्या है, साइकोलॉजी समझना है, केवल रटने का नहीं, ठीक है। साइकोलॉजी दिखाता है कि मार्केट टाइम पास कर रहा है, बायर सेलर्स के बीच में फाइट चल रही है, बायर्स भी फाइट कर रहे हैं, सेलर्स भी फाइट कर रहे हैं। यहाँ पे सेलर्स जीत गया, ठीक है। अब सेलर जब जीतेगा तो भाई बायर्स वाले भी ना डर के मारे सेल करेंगे, और देखिए ह्यूज फॉल देखने को मिला। तो बैंक निफ्टी भी सेम है, 5 मिनट एंड 70-80 की मिनिमम रेंज, 5 कैंडल होनी चाहिए, 1:1, 1:2 टारगेट अकॉर्डिंगली आपको देखने। यहाँ पे फिर से देखिए, बहुत सिंपल है, आप आराम से देखो, मार्केट साइडवेज था, कितना बढ़िया साइडवेज था। यहाँ पे भी साइडवेज है, बट धरपकड़ बहुत बड़ी बड़ी कैंडल बनी है, इसको छोड़ दो, ये साइडवेज है। बिग बार कैंडल बनी, सभी 5-10 कैंडल के कंपैरिजन में सबसे बड़ी कैंडल है SL। 5 मिनट 10 20 मिनट में आपका टारगेट हो गया, ठीक है। तो ये तो हो गया 5 मिनट। अब मैं आपको समझाने जा रहा हूँ 1 मिनट का टाइम फ्रेम, ठीक है। 1 मिनट में भी आप कर सकते हो, मैं आपको निफ्टी 50 में बताना चाहूँगा। यहाँ पे थोड़ा रूल चेंज है, 25 से 30 पॉइंट की मैक्सिमम रेंज होनी चाहिए, कॉमन है। कैंडल्स आपकी यहाँ पे कम से कम, वहाँ पे जो 5 थी यहाँ पे कम से कम 15 से 20 मिनिमम कैंडल होनी चाहिए। जितनी ज़्यादा होंगी हमारे लिए फ़ायदे वाली चीज़ है, ठीक। उसके बाद बिग बार बनेगी तब आप ट्रेड कर सकते हैं। सेम चीज़ आपको इसको भी निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में ही अप्लाई करना है। मैं सजेस्ट करूँगा पहले आप 5 मिनट वाला अप्लाई करना, फिर क्या बोलते हैं 1 मिनट में आके आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये देखिए मार्केट साइडवेज था, ठीक है, साइडवेज था। यहाँ पे बनी आपकी बिग बार कैंडल, ये वाली कैंडल आपकी बिग बार कैंडल है, इसी के लो पे सेल, स्विंग आई SL। देखिए कितना तगड़ा टारगेट आपको देखने को मिला है, इसमें आपको अच्छे खासे ट्रेड मिल जाएंगे। बट ये है कि थोड़ा सा पेशेंस दिखाना पड़ेगा, पेशेंस के बिना ट्रेडिंग नहीं होती है। यहाँ पे देखिए टाइम पास 15-20 कैंडल से ज़्यादा है, ये बिग बार कैंडल बनी, ब्रेकआउट पे थोड़ा सेफ्टी के साथ यहाँ ट्रेड लेते SL, कितना बढ़िया टारगेट आपको देखने को मिला। यहाँ पे देखिए साइडवेज, देखिए अब यहीं पे आपका मैं गेम पकड़ूंगा, साइडवेज, कहीं बिग बार कैंडल बनी नहीं लूंगा भाई, कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि हर रैली को पकड़ी जाए, ठीक है। तो आप ट्रेड यहाँ नहीं लेंगे। फिर से देखिए बैकटेस्ट करिए, यहाँ पे देखिए कितना सुंदर है, साइडवेज, यहाँ ब्रेकडाउन किया बट लो ब्रेक नहीं हुआ, यहाँ पे ब्रेकडाउन किया एंट्री SL, हाँ भी रखते तो भी SL नहीं होता। और देखिए कितना तगड़ा, आप खुद ही देखो भाई, एंट्री यहाँ ली है, ये आपका SL है, लगभग आपको 1:5 का रिस्क रिवॉर्ड मिला है। तो आप इसको प्लीज़ अप्लाई कीजिए।